हर रोज कई सारी खबरें और अपडेट्स आती हैं, लेकिन उनमें से सबसे सही और सटीक जानकारी हम आप तक सबसे पहले लेकर आते हैं। और उसी तरह से हमारे पास आपके लिए स्पेशल सेगमेंट भी है जिसका नाम है टॉप 5 न्यूज। और आज के लिए भी हमारे पास है आपके लिए टॉप 5 खबरें जो सीधा रिलेट करेगी है बिग बॉस सीजन 14, उसके कंटेंडर्स और उस घर से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली गोगिया और चलिए बातचीत करते हैं आज के इन टॉप 5 खबरों के बारे में। तो जो पहली अपडेट है वो है इम्यूनिटी टास्क को लेकर। रुबीना दलाइक को एक इम्यूनिटी स्टोन मिला था जो कि अब रुबीना से छीनने का टाइम आ गया है, और इसके लिए घर वालों को मौका दिया गया कि उन्हें अपनी जिंदगी का एक ऐसा सीक्रेट शेयर करना होगा जो सिर्फ उन्हें और उनके करीबियों को मालूम है। और इस तरीके से इस टास्क में घर वाले अपनी जिंदगी से जुड़े कई अनजाने अनसुलझे किस्से शेयर करते हुए नजर आए, कई सीक्रेट्स उन्होंने दर्शकों के साथ साझा किए। दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि इसी टास्क के दौरान रुबीना और अभिनव के रिश्ते का सच भी सामने आया। रुबीना ने टास्क के दौरान बताया कि हम दोनों ने एक दूसरे को नवंबर तक का वक्त दिया था, और अगर हम दोनों साथ में बिग बॉस नहीं आते तो हम एक साथ नहीं होते क्योंकि हमारा डिवोर्स हो चुका होता। तीसरी जो अपडेट है वो है इजाज खान के सीक्रेट के बारे में। जी हाँ, इजाज खान ने इस टास्क के दौरान बताया कि उन्हें टच से प्रॉब्लम है और इस बारे में सिर्फ उनके डॉक्टर्स को मालूम है, क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि नहीं होना चाहिए था, और उसी वाक्या के बाद उन्हें टच से दिक्कत होने लगी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की गिल्टी नहीं है क्योंकि उस वक्त उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उन्हें इस बारे में इतनी कुछ जानकारी नहीं थी, समझ नहीं थी, और जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने किसी से इस बारे में बात नहीं की। चौथी जो अपडेट है वो टास्क के विनर को लेकर है। इम्यूनिटी टास्क के विनर रहे हैं इजाज खान और उन्होंने जीत लिया है इम्यूनिटी स्टोन। और इस टास्क में हुआ ये था कि सारे सदस्य ही नॉमिनेटेड थे और खुद को सेफ जोन में रखने के लिए घर वालों को वो इम्यूनिटी स्टोन जीतना था, और इजाज ने अपनी जिंदगी का वो किस्सा शेयर कर इम्यूनिटी स्टोन जीत लिया है। पांचवी जो अपडेट है वो है पवित्रा पूनिया के बारे में। दरअसल पवित्रा पूनिया के पति ने इस बारे में बात साझा की है, जिनके बारे में पवित्रा कहती हुई नजर आई थी कि वो उनके फियोंसे थे और सगाई टूट गई। उन्होंने कहा कि मैं और पवित्रा शादीशुदा है और हमारी शादी नहीं टूटी है। पवित्रा बहुत ही मौका परस्त है, घर में इजाज के साथ भी मौका परस्ती दिखा रही है सिर्फ गेम के लिए, और मेरे साथ रहते हुए उसने कई बार मुझे चीट किया है, कभी पारस के साथ तो कभी किसी और के साथ। लेकिन हाँ, अगर वो मुझे ऑफिशियली डिवोर्स दे देती है तो वो इजाज के साथ कंटिन्यू कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार टॉप 5 खबरें बाकी दूसरी अपडेट्स लेकर आते रहेगी। बस आप चैनल के साथ बनी रही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक खबर कटलेस अनसीन अनदेखा सबसे पहले जानने के लिए चैनल के साथ बनी रही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।